थी आदिकाल सृष्टि में कहते हैं आदिकाल अनादिकाल मध्यकाल और अंतकाल वो सिर्फ संगम युग के हिसाब से कहते हैं। संगम युग में जब बाप आते हैं तो आदिकाल है, प्रत्यक्ष होना जब शुरू होते हैं तो मध्यकाल है, प्रत्यक्षता की संपूर्ण आहुति होती है तो अंतकाल है। ऐसे ही ब्रह्म ड्रामा में नई सत्य की सृष्टि जब बनकर तैयार होती है तो आदिकाल है, मध्यकाल में फिर परिवर्तन होता है। ईश्वरीय कार्य व्यवहार बदल जाता है, आसुरी सृष्टि की शुरुआत होती है और कलयुग का अंत होता है, सतयुग की आदि होनी होती है, तो फिर बाप आते हैं, उसे संगम कहा जाता है। परंतु ये अनादि सृष्टि जो चलती रहती है उसे कहते हैं अनादि सृष्टि, सृष्टि का आदि नहीं कह सकते। सृष्टि तो अनादि है और अनादिकाल तक यूं ही चलती रहेगी। निरीक्षण से पहुंच जाएंगे जैसे मक्खन से शुरू निकल जाएगा, मक्खन से जैसे बाल निकलता है आप हो जाएगा ऐसा बात क्या? ऐसे हम इस विकारी सृष्टि को पतित समोपदान दुनिया को क्रॉस करके चले जाएंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। सूर्या सूर्या माने सबसे अलग थलग, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं या जो भी पशु पक्षी कीट पशु पक्षी पतंगे आदि हैं उनकी आत्माओं से उसका कार्य बिल्कुल निराला है, इसलिए उसको कहते हैं तुरिया निराला। होली का मतलब कितनी बार अव्यक्त वाणी में बताया हुआ, होली का मतलब जो हो गया तो हो गया। होली में अग्नि जलाते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, ये हैं विकारों की लकड़ियां। 2,500 वर्ष के ड्रामा में जो विकारी बने हैं वो बची बचाई जो भी लकड़ियां हैं विकारों की वो सारी आहुति लग जाती है। आत्मा है होलिका, आत्मा नहीं जलती है और देवान सारा इस होली में जल जाता है। रंग की धुलिया मनाते हैं, जो रंग है फेंकते हैं वो धूल भरा रंग फेंकते हैं, माने देह अभिमानी की होली मनाते हैं। आजकल तो और ही होली का स्वरूप बहुत बिगड़ गया है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी बहुत फेंकते हैं। जैसे ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में अभी कीचड़ फेंका जाता है, ये ग्लानी का गंध है जो फेंकते रहते हैं, तामसी रूप हो गया है होली मनाने का। फिर नए नए कपड़े भी पहनते हैं, पुराने कपड़े त्यागते हैं, ये है सतयुग में जाने की यादगार। नई दुनिया में जावेंगे
तो जैसे जो होना था तो हो गया, जो विकारों की होली मनानी थी वो होली मना ली। मुनि दादी जी थोड़ी छोड़ दिया, अभी कहाँ पाठ बचा। जो भी ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में चलने वाली ऐसी आत्माएं हैं जिनको एडवांस पर निश्चय नहीं हुआ, और बेसिक की बातों पर निश्चय रहा, लंबे समय तक उन्होंने ऐसा ही पार्ट बजाया, तो अंत मते तो गति कैसी होगी? एडवांस की गति होगी या बेसिक जैसे जैसा पार्ट बजाया वैसी ही गति होगी? तो मम्मा बाबा का जैसा पार्ट चला है वैसी गति उनकी हुई। कोई न कोई में प्रवेश करके मम्मा बाबा की तरह पार्ट बजाते हैं। और अब उनके कहने से ही बात मान ली जाएगी। कोई बात का आगा पीछा होना चाहिए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर क्या है? भक्त किसे कहा जाता है? जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात को बिना किसी कारणकारी का विभेद किए मान ले कि वो ऐसे कहता है, तो वो बात हम सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, बड़ी सभा में सबको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ज्ञानी हुआ या भक्त हुआ? ये तो भक्तों की बात हो गई। जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है उस बात को हम चारों तरफ फैलाएं क्यों? अपनी भी बुद्धि खराब करे, दूसरों की भी खराब करे। स्त्री पुरुष दोनों पाप करते हैं, तो स्त्री लोग का अग्नि परीक्षा परीक्षा देना पड़ता है, पुरुष को क्यों नहीं देना पड़ता? मैंने पुरुषों को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। जितने भी पुरुष हैं वो परीक्षा नहीं देते हैं विकारों की क्या? सीता माने आत्मा, तुम सब सीताएं हो, कोई एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं अग्नि परीक्षा से गुजरती हैं। राम है एक और सीताएं हैं अनेक। और सतयुग में और त्रेता में वहाँ अलग से गुरु नहीं होता है, जो बाप होता है वो ही गुरु होता है, वो ही परंपरा विक्रमादित्य तक चलती रहती है। वो बाप ही गुरु बन करके बताता है कि ऐसे ऐसे मंदिर निर्माण करो, मंदिर बनाओ, शिव की पूजा करो, अभिविचारी पूजा करो। और फिर उसके बाप का नाम क्या? फिर उसके बाप का नाम क्या? फिर उसके बाप का नाम क्या? और बाबा रामायण में बोल दिया गौतम की काम बंदे बाबूजी परमेश्वर, क्लैरिफिकेशन क्या है? करेक्शन क्या है? क्लैरिफिकेशन क्या है? गौतम जगत के जो माता पिता हैं, सारे जगत के मनुष्य शक्ति के माता पिता, वो जगत के पितर हैं। माने सारे जगत के माता पिता हैं पार्वती और परमेश्वर, माने शंकर और पार्वती सारे जगत के माता पिता हैं। यही उसका अर्थ हुआ। उनको मैं वंदना करता हूँ। बाबा काशी पर्वत में सजा खाने का राज किया, बाबा और दरगाह कैसे होगी? बाबा समझाएंगे। काशी पर्वत में जो
करवट खाने जाते हैं, फैसला कर लेते हैं कि हम काशी करवट खावेंगे, वो एक शिव के ऊपर जाकर अर्पण हो जाते हैं। समझते नहीं है, बिना जाने बिना समझे शिव पर अर्पण हो जाते हैं जाकर। वो बात भक्ति मार्ग की है या ज्ञान मार्ग की है? भक्ति मार्ग की। और भक्ति मार्ग का फाउंडेशन असली कहाँ पड़ता है? है संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। यहाँ अभी जो भी अर्पण हो रहे हैं वो सब काशी करवट खा रहे हैं या निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है उनको? शिव कौन है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, ऐसा दृढ़ पक्का निश्चय होकर के सरेंडर हो जाते हैं या कुछ संशय बना रहता है? हैं? संशय बना रहता है, घड़ी घड़ी संशय आता है। इसलिए पूरे पाप भस्म नहीं होते, फिर नए सरे पाप करना शुरू कर देते और सौ गुना पाप चढ़ने लग पड़ता है। कोई भी काम जो शुरू होता है एकदम थोड़ी शुरू हो जाता है, ये तो ड्रामा ही जो मिसल चलता है। पहले तो बात एक की बुद्धि में आएगी कि सबकी बुद्धि में इकट्ठी आ जाएगी? हैं? पहले एक की बुद्धि में आएगी तो धीरे धीरे वो बात फैलती गई, बाबा की वाणी चलती गई, सुनने वाले सुनते रहे और धारण करते रहे। धीरे धीरे ये फैसला हुआ 1950 तक ये ब्रह्मा का कार्य तो हिंदुस्तान में चलना चाहिए। ये पाकिस्तान में तो मुसलमानों का देश है, कोई ब्रह्मा को मानता भी नहीं है, तो वहां से ट्रांसफर हो गए। माउंट आबू में जब बड़ी कोठी मिल गई, जमावड़ा जम गया, तब दिल्ली में आकर के सेवा शुरू हुई। पहला सेवा केंद्र खोला गया, उसका नाम रखा गया आध्यात्मिक ईश्वरी, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। उससे पहले कोई भी आश्रम का नाम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नहीं था। धीरे 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 4-5 साल के बाद कहीं प्रैक्टिकल में शुरू हुआ। कोई भी काम होता है तो पहले मनसा के अंदर चलता है या सीधा ही प्रैक्टिकल में शुरू हो जाता है? पहले मनसा के अंदर चलता है, फिर भाषा में आता है, भाषा में आते आते गुजरते गुजरते फिर प्रैक्टिकल में होता है। ये तो होता ही है, इसमें कोई अजूबा गरूबा वंडरफुल बात नहीं है कि 3-4 साल क्यों लग गए। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय संघ 76 में ही नाम लिख गया क्या? नहीं, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम तो कंपिल में जाकर के पढ़ा प्रैक्टिकल में। उससे पहले आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम था ही नहीं। जो दान करेंगे उससे धारणा होंगी, 56 धारणा ज्यादा है। एक बार रिपीट करो, देव दान से छूटे कर, तो जो दान करेंगे उसका ही मतलब भावना होगी। किसको दान करेंगे? हाँ ये बात, क्या बात है? बात है कि देव दान से छूटे कर। अरे किसको दान करेंगे? तो छूटे ग्रहण जो धारणा की बात है, अगर छूट में धारणा करेंगे तो दान से धारणा, खुद धारणा करेंगे तो दूसरों को दान हो जाता है। हाँ सही बात, दो बात हो गया। दान का मतलब हो गया जो अपना जो विकार होता था, किसको करेंगे? अरे विकारों को दान बाबा को देंगे। अरे किसको? बाबा को करेंगे, बाबा चलेंगे, बाबा गरीब है।
भक्ति मार्ग में जब सूरज ग्रहण पड़ता है और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो जहाँ जहाँ पानी के घाट होते हैं वहाँ चांडाल लोग आवाज लगाते हैं, वेदांत तो छूटे ग्रहण। हाँ, माना सूरज को ग्रहण लग गया विकारों का, अब उसको दान दो तो तुम्हारे भी विकारों का ग्रहण छूटेगा। ऐसे ही चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा के ऊपर जब ग्रहण लगा तो भी चिल्लाते हैं दे दान, तो उसका छूटे ग्रहण, क्योंकि जब तक उसका ग्रहण नहीं छूटेगा तब तक कोई का ग्रहण छूटने वाला नहीं। वो तो माता पिता के रूप में हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको तो सबसे आगे जाना है, इसलिए संगठित होकर के सब वो दान दें। संघ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति ही काम करती है, भगवान की शक्ति भी काम नहीं करती, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब हमारे पास में जो भक्ति मार्ग में देखा थे हमारा बंगाल में विशेष करके जो मंदिर में मिट्टी का घोड़ा और हाथी डालते हैं, हाथी हाथी और घोड़ा मिट्टी को बना करके मंदिर में रखा जाता है कभी पूजा भक्ति मार्ग, क्या मतलब हाथी घोड़ा मतलब क्या शरीर भी हाथी घोड़ा को क्या घड़ा माने बुद्ध रूपी घड़ा नहीं हॉर्न जो चलता है घोड़ा हाथी मंदिर में देता है। अरे ये तो पुरुषार्थियों की बात दिखाई है, कोई पुरुषार्थी हाथी के मिसल पुरुषार्थ करने वाले, कोई पुरुषार्थी घोड़े के मिसल पुरुषार्थ करने वाले, कोई प्रजा वर्ग में आने वाले हैं वो पैदल ही है, कोई रथी सवार है उनको महारथी दिखाया जाता है, कोई महावीर है, ये तो पुरुषार्थियों की कैटेगरी दिखाई गई, मतलब मंदिर में रखा ही जाते। हाँ जी, ये भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर में कोई रथी है, कोई महारथी है, कोई महावीर है, कोई घोड़े सवार है, कोई पैदल सवार है, अलग अलग प्रकार के पुरुषार्थी है। दुनिया में दिखाया जाता है जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग में सारे दिन पत्थर का मूर्ति होता है, शिवलिंग उसमें सभी पानी डालते हैं, उन लोग कहते हमारा संसार में सुख शांति है, उन लोग कहते हैं हमारा संसार में सुख शांति आ जाए, हमारे संसार में सुख शांति आ जाए दुनिया से। हाँ, तो ऐसे भी हो सकता है हम जो पत्थर मूर्ति वाला रास्ते होते हैं और सुप्रीम को हम लोग को ज्ञान का पानी डालते हैं ऊपर से, बोलो क्या कह रहे हैं। पानी डालते पत्थर के लिंग पर पानी डालते हैं। हाँ जी, पानी तो डालते हैं तो उन लोग को हम लोग को। अरे ये कहो कि ये शूटिंग ब्राह्मणों की संग मिल दुनिया में कैसे होती है जो शिवलिंग के ऊपर पानी डालते हैं। इधर हम लोग अज्ञान निद्रा में जो हम लोग अमृत के साथ सो जाते हैं। नहीं, जब बेसिक नॉलेज चलती है तो जो लिंग रूप में पार्ट बजाने वाली प्रजापिता की आत्मा है उसको भी जो भक्त आत्माएं हैं बीके वाली वो भी ज्ञान का जल चढ़ाती है, वो यहाँ शूटिंग होती है उन भक्तों के द्वारा। नहीं, वो तो ज्ञानी का अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसको कोई ज्ञान जल क्या देगा, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे पाठधारी को ज्ञान सुना करके संतुष्ट कर सकता है क्या, कर सकता है नहीं कर सकता। वैसे हम लोग अमृत वेला में सो जाते हैं, मतलब मन चिंतन नहीं करते, मन चिंतन नहीं करते तो इसका मतलब हमारा जो ज्ञान जल जिससे धारण नहीं है।
हम सुबह उठेंगे अमृतला पूजा करेंगे। क्या कहना चाहते? मैं कहना यही चाहता हूँ अमृत कला में निद्रा उठते हैं हम लोग जो जब टूट जाते अमृत कला करने के लिए, लेकिन क्या होता है आत्मा सोचते हैं उसमें एक बार सो तो जाते। इसका मतलब यही है जो हमारा जो पिता परम पिता का जो ज्ञान जल है वो अपने अंदर में जो है ही नहीं, इसलिए हम उठते। तो औरों में क्यों होता है जो औरों का मंथन चलता है तुम्हारा नहीं चलता? नहीं हमारा ही बताएंगे ना। औरों को चलता तो है, जो औरों को क्यों चलता है तुम्हारा क्यों नहीं चलता? बात तो सही है, बात ये सही है कि पूर्व जन्मों का पाप का बोझा दादा चढ़ा हुआ है तो मंथन नहीं चलने देगा, और जिनका पाप का बोझा उतर रहा है उनका मंथन जरूर चलेगा, वो जरूर ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे और उनका मंथन भी चलेगा और बाप उन बच्चों को याद भी करेंगे। जैसे आदिवासी हुआ मैं अमृत कला जो जब उठ करके जब बैठा है तो हम सोचे इसलिए उठ रहे हैं, अपनी बात सभा में नहीं करना चाहिए, हम तो अपनी बात है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। लास्ट में बोला एक लाख, लास्ट ट्रेन में एक लाख चलेंगे, एक लास्ट में ट्रेन में एक लाख सूर्यवंशी जाएंगे, तो बात लास्ट ट्रेन में एक लाख सूर्यवंशी जाएंगे। ये कौन सी मुरली में लिखा है भाई? कोई अध्यक्ष वाणी में आया क्या? मुरली में आया लास्ट में। कौन सी मुरली में आया? एक ट्रेन चलेगी वो ठीक है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब खून खराबा हुआ बंटवारा हुआ तो पहली ट्रेन जब निकल पड़ी तो निकल पड़ी, और उस ट्रेन में से जो जाने वाले थे वो निकल गए। अब वो ट्रेन चाहे अहमदाबाद से चली हो कराची की ओर, चाहे वो ट्रेन कलकत्ते से चली हो, चाहे वो ट्रेन इलाहाबाद से चली हो या बम्बई से चली हो या बंगलोर से चली हो, पहली ट्रेन में जो भी हिंदुस्तान से जाने वाले पाकिस्तान चले गए वो तो चले गए, फिर बाकी उसके बाद जो दूसरी ट्रेनें चली वो सब फटाखट मारे गए। वो तो आदि का बात हो गया, और वही अंत की बात होनी है। अंत में भी जब ऐसे झगड़ा होगा मार काट होगी तो क्या होगा? जिनको खींच होगी, जिनकी बाप से लगन लगी हुई होगी, उनको बाप का तार पहुंचेगा और वो निकल जाएंगे। वो 2018 का पहले हो जाएगा। अब वो कब होता है ये तो तिथि तारीख नहीं बताई जाती है, लेकिन जो तब तक आराम से चैन की नींद पड़े पड़े सो ले। लेकिन मुरली में ऐसे बोला गया जो लास्ट में जहाँ का ओनू तहाँ पहुँच जाएंगे, माउंट आबू तक नहीं रहेंगे, तो ये ना तो आपको 2026 तक होगा। अब कहाँ कौन पहुँच जाएगा? जिसको शांति धाम में पहुँचना होगा वो शांति धाम में पहुँचेगा, जिसको सुख धाम में पहुँचना होगा वो सुख धाम में पहुँचेगा। माउंट आबू भी नहीं रहेंगे, अब जो जहाँ का होगा दिल्ली भी नहीं रहेंगे, जो शांति धाम के वासी होंगे वो शांति धाम पहुँचेंगे, और जिनका अच्छा पुरुषार्थ होगा वो शांति धाम से होते हुए सुख धाम में पहुँच जाएंगे। और मुरली में क्या क्या सुना? दुहाई देना दुहाई लेना। दुआएं दो और दुआएं लो। हाँ तो क्या हुआ फिर? इसका अर्थ ये है कि दूसरों के प्रति शुभ भावना रखो और दूसरों की शुभ भावना और शुभ कामनाएं स्वीकार करो, न किसी को दुष्ट बातें बोलो और न किसी को किसी की दुष्ट बातों को स्वीकार करो। दुआएं दो, अच्छी अच्छी बातें दो और अच्छी अच्छी बातें लो। उत्ताप की देवी ये आँखों में पट्टी बंधे रहने वाली बात कलयुग की है या
सतयुग की है, ये कलयुग की बातें हैं। इंसाफ वही होगा जो कायदे कानून की किताब में लिखा होगा, और किताब में जो कुछ लिखा हुआ होता है वो सब झूठ होता है या सच्चा होता है? वो सब झूठ होता है। किताब कभी भी पूरी बात नहीं समझाएगी, किताब अधूरी होती है, और भगवान का ज्ञान संपूर्ण होता है। भगवान खुद ही जब अपने राइट हैंड के साथ धर्मराज के साथ आता है तो सच्चा फैसला होता है। वो आंखों का अंधा नहीं होता है, बाकी मनुष्यों के जो भी फैसले होते हैं वो सब अंधे के औलाद अंधे द्वारा वो फैसले होते हैं। नहीं तो फिर भगवान को आकर के आखिरी फैसला करने की दरकार ही नहीं। इतना सारे देवी देवता हमने देखा, एक ब्रह्मा को छोड़कर सारे देवी देवता देखा। ब्रह्मा का ही बुजुर्ग शरीर देखा, शंकर जी का बुजुर्ग शरीर नहीं देखा। मजदारी भूतदारी शंकर का नहीं देखा। पका हुआ नहीं है, कच्चा कच्चा भी है पक्का भी है। वो तो पक्के वालों का भी बाप है और कच्चे वालों का भी बाप है, सफेद दाढ़ी मूछ वालों का भी बाप है और काली दूबाई दूर मूछदारी वालों का भी बाप है। उससे ये साबित होता है कि ब्रह्मा तो सिर्फ दाढ़ी मूछ वाला ही दिखाया जाता है, माने भिकारी ही भिकारी है, श्याम ही श्याम है, वो सुंदर पार्ट नहीं है। लेकिन शंकर का जो पार्ट है वो श्याम पार्ट भी है, माने दाढ़ी मूछ वाला भी है और क्लीन शेव अर्थात सुंदर पार्ट भी है। एक ही शरीर से सुंदर और एक ही शरीर से श्याम पार्ट बजाता है, पहले श्याम और बाद में सुंदर पार्ट बजाता है। एक तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। शंकर को बूढ़ा भी दिखाते हैं, बच्चा भी दिखाते हैं, नौजवान भी दिखाते हैं, स्त्री चोले में भी दिखाते हैं, पुरुष चोले में भी दिखाते हैं। और कोई की वकालत की जाती है, जो आदमी अपनी बात अपने आप नहीं कह पाता है तो उसकी बात कहने के लिए वकील नियुक्त किए जाते हैं। और ये वकील वगैरह जो रखे जाते हैं कोर्ट कचहरी में, ये कलयुगी दुनिया में रखे जाते हैं। जितनी दुनिया पुरानी और समूह प्रधान बन जाती है तब रखे जाते हैं, या जब सात्विक दुनिया होती है तब रखे जाते हैं। जितना जितना समूह प्रधान दुनिया बनती जाएगी उतना ये बीच में बिचौलिए बढ़ते जाते हैं, इसलिए इनको काले कोट वाला कहा जाता है। जैसे आज के फैसले करने वाले, उनका नाम दिया है, जैसे वो बाल काटने वाला होता है उसका क्या नाम देते हैं? नहीं, हज्जाम। जैसे मुरली ने बोला है
आज के जो जज हैं वो ऐसे हैं जैसे हजाम हजामत कर देते हैं। जैसे तिरुपति का मंदिर है ना, तो तिरुपति के मंदिर में जो भी जाते हैं क्या करा के आते हैं, अपनी हजामत करा के आते हैं। तो तिरुपति को कहीं भी दुनिया की यादगार वाला कहेंगे या सत्य की दुनिया का नारायण कहेंगे, क्या कहेंगे? दो पत्नियां कहाँ होती हैं? ये द्वैतवादी युग कहाँ की शुरुआत है? ये आज की दुनिया की बात है। और आदम को भूल जाते तो भी खुदे को भी भूल जाते ये तो वास्ता हो गया। अलग तो अल्लाह को मिल गया, अलग वो है जो सदैव पुरुषार्थ में खड़ा रहने वाला है, और वो दे वो है जो बादशाही लेने वाला है। अलग से लेता भी है और फिर गंवाता भी है। ये रचयिता और रचना की कहानी है। रचयिता है बाप और रचना है बच्चा। तो बच्चा है बाप का और वो है पीरू वजीर बच्चू बाप का। जैसे चाणक्य क्या है, बच्चू है या सलाह देने वाला है? सलाह देने वाला है, गुरु बनकर के बैठता है। और बच्चू कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो हो गया बच्चू, वो हो गया रचयिता और वो हो गई रचना। राम वाली आत्मा को याद नहीं करना है, राम वाली आत्मा का शरीर और उसमें प्रवेश होने वाली निराकार शिव की सोल, उसको याद करना है। खड़ी है तो राम वाली आत्मा ही है, वो पुरुषार्थ में खड़ी भी कब तक है? जब तक शिव प्रवेश है तब तक खड़ी है या उसके बाद भी खड़ी है कि रावण राम बन जाता है कि राम रावण बन जाता है? राम राम के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो तब ही प्रत्यक्ष होता है जब सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश हुआ साबित होता है। अब ये मतलब नहीं है कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, लेकिन जब वो आत्म की स्थिति का अंगूठा कट जाता है तो राम ही क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। अभी तो एक माता ने पूछा, अब सब पांच हो गए थे क्या? हाँ, तो अभी अगर मेरा हाथ से काट जाए तो मेरा आदमी अंगूठे की बात है क्या? शास्त्र में अंगूठा को आत्मा को अंगूठाकार बताया है। शास्त्र लिखने वाले नहीं जानते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, इसलिए उनको अंगूठे के आकार का समझ लिया। वास्तव में अंगूठाकार आत्मा नहीं है। नाक क्यों ना काट लो? तो फिर हम तो नाक काटने से कि आत्म की स्थिति बन जाएगी? ए बाबा ठीक नहीं बोला, ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, तो क्या नहीं बोला? रावण बन जाएगा। क्या बोल रहे हो? मतलब क्या है? अपना आत्म की स्थिति कैसे काट लोगे अपनी? वो तो ऑलरेडी कटी हुई है ही।
अच्छा अच्छा ठीक है। थोड़ी ध्यान नहीं है बैठा है। कैसेट में बोला है राज करेगा खालसा। खालसा खालसा माने खालिद। खालिद माने पवित्र। जो पवित्र आत्मा है वो ही राज्य करेगी। अब पवित्र आत्माएं जो होंगी वो राज्य नहीं कर पाएंगी। नई दुनिया की राजाई या ब्राह्मणों का जो नया संगठन तैयार होगा संसार में, और उसमें जो नई संगठन शक्ति तैयार होगी उसमें कंट्रोलिंग पावर खालसा के हाथ में होगी। और खालसे की मान्यता सिखों में ही है। अभिमान्यो अभिमान्यो जब माँ का पेट में था तब उसका पिताजी का कहानी सुना था। तो वो जो महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसमें जो चक्रव्यूह बनाया है। आप बंगाली में बोलिए जल्दी जल्दी फटाफट बोल जाइए। चक्रव्यूह में तो वो प्रवेश करता था लेकिन बाहर में आते नहीं थे, उसने मार दिया। आप बंगाली में बोलिए ना। आप हिंदी में कुछ बोल रहे हैं कुछ समझ में आ रही कुछ बात नहीं बनती है। बंगाली में फटाफट बोल जाइए। महाभारत वो तो अभिमन्यु नाम से ही महाभारत सब समझ लेंगे। टाइम जो चक्र गुहा बनाया ना उसने तो वो प्रवेश करता है लेकिन बाहर नहीं आते नहीं तो उसको मार दिया। इसका मतलब हाँ हाँ बाहर में आते और विष्णु अर्जुन के लेकर उससे भाग दिया। क्यों दिया अर्थ किया कृष्ण अर्जुन लेकर भाग गया और नारायण जी का वस्त्र ले गया। वो भाग गया ना जो चक्रव्यूह का राजा है वो कहीं में उड़के को विष्णु लेकर चला गया। नारायण जी का वस्त्र लेने के लिए अर्जुन को ले गया और उस टाइम में वो चक्रव्यूह में भेद करने वाला कोई है नहीं जानते नहीं है। उस टाइम में वो भी मुन्नू बोला हम जानते हैं प्रवेश का रास्ता जानते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता। अब जो नहीं जानता है वो तो नहीं जानता है वो न जानने के कारण ही फंस गया। अगर जानता होता तो बाहर ना आ जाता। बाहर आ जाते वेद का अर्थ ये है कि जिस काम को पूरा न जानता हो उसे हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई मरीज है मरीज को हम आधा ठीक करना जानते हो और आधे में हम उसे छोड़ दें तो मरीज तो मर ही जाएगा ना। तो, हाँ तो ऐसे ही वो चक्रव्यूह में घुस तो गया मारकाट मचा दी सबके दिल दहला दिए लेकिन अंदर जाकर के बाहर आने का रास्ता ही नहीं मालूम तो फंस गया। इसलिए जब तक कोई काम की पूरी जानकारी ना हो तब तक उस कार्य को करना नहीं चाहिए ये दिखाया गया है। दादा लेखराज ने 1967 में शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के बाद कोई तन में प्रवेश किया किया। अब ये तो पता नहीं वीरेंद्र देव दीक्षित में प्रवेश किया या किस में प्रवेश किया लेकिन इतना जरूर है कि शेर जो है उसको जंगल चाहिए। जंगल बिना शेर के रह नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा बाबा की सोल जो है वो प्रवेश तो करती है बच्चों में
अब कौन से बच्चों में प्रवेश करती है ये नहीं कहा जा सकता। शिव बाप जो है उनका मुकर्रर रथ एक ही है। दादा लेखराज ब्रह्मा का तन गया तो कोई दूसरे मुकर्रर रथ में प्रवेश कर लिए। पहले गुप्त होता है बाद में प्रत्यक्ष होता है। जैसे कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो पहले गुप्त रहती है और बाद में प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसे हुआ बाप साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी फिर साकार बनेगा। कितने आयाम हुए? पहले साकारी था, साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी और निराकारी से फिर साकार बनेगा। कब बनेगा? हाँ, शुरुआत में साकारी था, साकारी से आकारी बना। कब? नहीं, बाप आकारी तब से ही बन गया जब से ज्ञान गर्भ में आया, बेसिक नॉलेज में आया और मनन चिंतन मंथन शुरू हो गया। आकारी, आकारी से फिर निराकारी कब से हुआ? क्षेत्र से। निराकारी माने अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मुझे आत्मा का ये पार्ट है, फिर कुछ करने को नहीं रह जाता सिवाय स्वरूप में टिकने के। जितना जितना स्वरूप में आत्मा टिकती जाएगी उतना उतना विस्तार स्वतः ही होता जाएगा। विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, विस्तार में जाने का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? निराकारी स्टेज में टिकने की जरूरत है। तो जितना जितना निराकारी उतना उतना विस्तार स्वतः ही होता जाता है। अपने अनेक जन्मों की कहानी स्वतः ही खुलती जाती है और फिर निराकारी से साकारी, साकारी जब राम और कृष्ण की दोनों ही आत्माएं अंतिम संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर जाए, विष्णु चतुर्भुज प्रत्यक्ष हो जाए तो साकारी हो जाते। बोला बाप साक्षी हो जाएगा, बाप दादा साक्षी हो जाएगा। तो बाप जो निराकार सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है तो साकार रहने की दरकार क्या है? जब बच्चे ने बाप समान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। बोला बाप दादा सदा, फिर बोला बाप दादा सदा कायम होंगे, बाप सदा कायम होंगे, बाप सदा कायम नहीं होंगे। सारा शब्दों को ही बदल दोगे तो सारा अर्थ ही बदल जाएगा। इस सच्ची पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। माना जो साकार स्वरूप है निराकारी स्टेज वाला होगा, लेकिन वो भी सदा कायम इस शक्ति पर रहता है। और दुनिया में कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो शक्ति रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाने वाली है। मतलब साढ़े चार लाख बच्चा को, साढ़े चार लाख आत्मा को कंट्रोल, बच्चा और बाप मिलके 9 लाख को इसमें कंट्रोल और शासन करना ये अधूरी दुनिया में होता है या संपूर्ण दुनिया में होता है? ये तो अधूरी दुनिया की बातें हैं। जो संपूर्ण बाप है वो तो वो चीज है जो नारा देता है स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। जब बापों का बाप यहाँ आया हुआ है वो ये बता रहा है बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाप से पढ़ाई पढ़ने वाला ये लक्ष्य लेकर के कैसे रह सकता है कि हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करें? कंट्रोल करने वाली बात ही खत्म। यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए सतयुग में
गद्दियाँ नहीं दिखाई गई हैं। फिर कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल जो है देंगे कि दे दिया है। हथेली माने बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया का सारा खाका खिंचा हुआ रखा है, उसको कहते हैं हथेली में स्वर्ग दे दिया। माने नई दुनिया की सारी प्लानिंग बुद्ध रूपी हथेली में जिसके आ चुकी है उसका चित्र कृष्ण का बनाई दिया। कृष्ण हथेली में स्वर्ग दिखाया गया और पांव में नरक धकेल रहा है, लात मार रहा है। माने जो दुनिया भस्म होने वाली है ब्राह्मणों की, उस दुनिया को लात मार रहा है। इन गुरुओं को मारो गोली, ये गुरुओं की दुनिया है, इससे कुछ लेना देना नहीं, ऐसे ही गड्ढे में जाने वाली, इसलिए एक और लात मारो, जाए जल्दी से गड्ढे में। अभी अभी हमने देखा जो अस्त्र देव को आठ दिशा में दिखाया गया, तो दिशा में आप सुबह रहे आपको उत्तर में, तो दक्षिण में जम है, और जो बदल में पानी हो आपको पश्चिम में दिखाया गया, और पूर्व में इंद्र, जम जो दक्षिण में है वो कौन लग नहीं करेंगे बाबा, लेकिन चाँद तो फिक्स हो गया वही क्या क्या पूछ क्या रहे हो? मैं यही पूछ रहे तो वो जो अष्टदेव का चार दिशा में बैठा था, चार दिशाएं अष्टदेव थोड़े ही है, दिशा में बैठा जो चार दिशाएं हैं पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, उन चारों दिशाओं के कौन भी हैं, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण ऐसे कहा जाता है ना, तो इनके कोने भी हैं, जिन्हें कोना है उनको कहा जाए उत्तर और पूरब का कोना, ईशान कोण, तो ऐसे ही चार कोने भी हैं, चार दिशाएं और चार उनके कोने, इस तरह मिलाकर के आठ दिग्पाल कहे गए हैं। आठ दिशाओं, दिग माने दिशा, आठ दिशाओं को पालने वाले दिग्पाल वो अष्टदेव कहे गए। उत्तर में कुबेर है, दक्षिण में जाम, जाम, जाम। हाँ तो क्या बात क्या कहना चाहते हैं? बात करना यही चाहते हैं। तो सबका पार्ट जानना कोई जरूरी है? बाबा खुद ही क्लियर कराए देंगे, जिन आत्मा का जो पार्ट होगा वो अपने आप मैदान में आके पार्ट बजाएंगे, मैदान में आके पार्ट बजाएंगे और हम जान लेंगे इनका ये पार्ट है, इसमें पूछने करने की बात ही नहीं, कौन सा किसका पार्ट है। अच्छा बाबा वो जो बॉक्सिंग में उद्धार और जो कहते हैं वो क्या है, तो आज की तरह हो चुका है तो आर और जो हो क्या तो क्या हुआ, जमीन का मतलब जमीन ही है, मतलब क्या होता है उसका, ऊर्ध माने ऊपर, अधो माने नीचे, लेकिन दोनों का अपना वो कंट्रोल करने वाला
तो धर्म को कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल करने वाला कहीं दस धर्म कहते हो, कहीं दस रथ कहते हो। वो दस धर्म का पिता है ही नहीं, वो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म को स्थापन करने वाला है। अनेक धर्मों को क्यों स्थापन करेगा? वो तो सिर्फ सनातन धर्म का धर्म पिता है। अव्यक्तवाणी जब चलती है याद रहती है। शिव बाप जैसे बाबा ने बोला है, तुम बच्चे मेरी याद में जितना रहते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, प्रवेश नहीं करते गुलजार दादी में, शिव बाप का प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। अगर शिव बाप का प्रवेश गुलजार दादी में हो जाए फिर तो ये साबित हो जाता है कि बाप सूक्ष्म वतनवासी भी है। सुप्रीम सोल सेवक कभी भी सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता, उसको सूक्ष्म शरीर ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा है, तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा की सोल भी बच्चा है, और वो बच्चा जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो गुलजार दादी में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो बहुत पावरफुल याद होती है उनकी। कोई को जब कोई चाहने वाली चीज मिल जाती है तो उसका नशा चढ़ता है या घटता है? चढ़ता है। ब्रह्मा बाबा बचपन से ही गुलजार दादी को अपने नजदीक खींचना चाहते थे और गुलजार दादी भाग जाती थी, कभी भी उनके नजदीक नहीं आई। आखिरी जीवन भर की जो कशिश थी वो शरीर छोड़ने के बाद उनकी मुट्ठी में आ गई और उन्होंने दादी में प्रवेश कर लिया। तो उनका नशा तो दिन दूना रात चौगुना हो जाता है, और बाबा की याद भी आती है अच्छी। तो जो बाबा की याद में वो साथ में है, शिव बाप के साथ हैं, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसे काम करती है जैसे कि वो साथ ही साथ हैं, जैसे कि कवि लोग हैं। सात्विक के स्टेज में रह करके जो कविता करते हैं वो कविताएं सच्ची साबित हो जाती हैं। उनका कोई शिव बाप का रोल है ज्ञान सुनाने का, वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन देने का टीचर का रोल है। उस रोल का नाम ही है टीचर, सुप्रीम टीचर। वो जैसा क्लैरिफिकेशन दे सकता है शास्त्रों का, अव्यक्तवाणी का, मुरलियों का, ऐसा क्लैरिफिकेशन दुनिया की कोई भी मनुष्य मात्र आत्मा नहीं दे सकती। ये उनका रोल है वर्तमान में। बताया तो जो साकार में पार्ट है उसका नाम है, उसका टाइटल है सुप्रीम टीचर। आत्माएं दो हैं,
एक है सुप्रीम सोल जो सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है, और जिस तन के द्वारा पार्ट बजाती है वो तन वही प्रजापिता का है। माना पतित तमो प्रधान, और उसमें भी कृष्ण की सोल प्रवेश है। लेकिन दादी गुंडा का अंदर तब जाता है तब तो वो अभी उनकी एक बात अभी पूरी नहीं है। हाँ जी, आप कुछ और पूछना चाहते हैं जो कि बाप जब कहा जाता है तो बाप को कहने मात्र से ही हमारी बुद्धि में कॉन्सेंट्रेशन सुप्रीम सोल के लिए बैठना चाहिए। राम वाली आत्मा की तरफ हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं जाना चाहिए। वो हमारा बाप है, भल साकार शरीर राम के चोले में है, लेकिन हमारा कॉन्सेंट्रेशन सुप्रीम सोल के लिए। वो बाप है और ब्रह्मा हमारा दादा है। और दोनों आ रहे हैं, ऐसे नहीं बोला किसी अवैतवाणी में, सिर्फ बोला जाता है बाप दादा। इसका मतलब ये है कि जितना ही ब्रह्मा की सोल याद करती है सुप्रीम सोल बाप को, उतना ही वो सुप्रीम सोल बाप के साथ है। माना दादा वाली सोल जो सृष्टि का पहला पत्ता है, वो पहला पत्ता जैसे कि दादा है, बड़ा भाई है, वो दादा है, और जिसकी याद में बैठा हुआ है गुलजार दादी में वो है बाप। इसलिए बाप दादा कहा जाए। जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब साथ है तो साथ ही साथ नाम लेना चाहिए ना, तो नाम हुआ बाप दादा। और बाबा पहले पहले घाट छोटा था, बाद में घाट बड़ा बड़ा हो गया है। पहले दो पत्ते निकलते हैं, फिर चार पत्ते निकलते हैं, फिर चार से आठ निकलते हैं, फिर मल्टीप्लाई होता रहता है। पहले घाट छोटा होता है, इसलिए कोई भी बीज बोया जाता है तो पहले दो ही पत्ते निकलते हैं कि इकट्ठे निकल आते हैं। ऐसे यहाँ भी नहीं सच्ची का बीज रोपण होता है, दो से चार को संदेश मिलता है, चार से आठ को मिलता है, आठ से सोलह को मिलता है, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। तीन दाग है अंदर, एक सिंह का तीन रेखाएं हैं पड़ी हुई, जो शिवलिंग में तीन रेखाएं पड़ी हुई दिखाई गई हैं, और उनमें बीच में जो बिंदु रखा हुआ है वो सुप्रीम सोल बाप की यादगार है, जो उसमें प्रवेश करके अपना पार्ट बजाता है। तीन रेखाएं ब्रह्मा विष्णु शंकर की यादगार है, ये तीन पार्ट धारियों की यादगार है तीन रेखाएं। और काम क्रोध लोभ मोह, ये चार विकार जो हैं वो परमात्मा बाप उनको पतितों को पावन बनाने के लिए बांधा हुआ है, लेकिन जो देह अहंकार को नहीं छोड़ता उसके लिए बांधा हुआ नहीं है। पहली शर्त है देह का त्यागन करो, देह की स्मृति भूलो, अपन को आत्मा समझो। इसलिए चार विकार तो माफ हैं,
उन चार प्रकार के विकारियों को राजाई मिल जाती है, लेकिन जो देहंकार को नहीं छोड़ता, अहंकारी रसियन, उनके कुल में कोई को भी राजाई नसीब नहीं हुई, कोई राजा नहीं हुआ। भगवान राजाई देता है, कैसा भी कोई पति से पतित आत्मा क्यों न हो, सबको राजाई देने के लिए बांधा हुआ है, अगर पुरुषार्थ करे तो। लेकिन अहंकारियों को राजाई नहीं मिल सकती।